जो भी कोई केरल रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहता है वो दो मेथड से डोनेट कर सकता है। पहला मेथड है केरल की वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे अपनी डिटेल भरिए, नाम, फ़ोन नंबर, करेंसी टाइप, अमाउंट, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर चाहते हैं तो भर दीजिए। उसके बाद एक कोड भरिए, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेक श्योर हो जाइए कि आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो ओके है। अब ये पेमेंट डिटेल दिखाएगा, अमित कुमार, डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, कंट्रीब्यूशन 21-8-2000 और अमाउंट। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड देन सबमिट। वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश और योर ब्राउज़ बटन नेविगेट। आगे सेम मेथड होते हैं, जो भी नेट बैंकिंग थ्रू करना है अदर बैंक SBI, फिर वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको दूसरा मेथड दिखाऊं पेमेंट करने का, तो दूसरा मेथड है paytm के थ्रू। आप paytm के थ्रू जा सकते हैं। अगर paytm की ऐप अपडेट नहीं है तो एक बार अपडेट कर लेना, हो सकता है कि वो ये आपका केरल फ्लड वाला ना आए, क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया हुआ था तो मेरे में नहीं आ रहा था, उसके बाद अपडेट करने के बाद ये आया है। तो केरल की ऐप, उसमें जाके टैप करके डोनेट टू, यहाँ पे है ये, तो दोनों में से कोई भी, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अमाउंट, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए अगर आपके वॉलेट में है, या फिर प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे डिटेल फिल करने का, फिर आपको पता ही है पेमेंट कैसे की जाती है। तो ये दो मेथड हैं, तो इनमें से paytm वाला जो है वो अच्छा मेथड है, मतलब जल्दी पेमेंट हो जाएगा, क्विकेस्ट है इसमें, तो आप इससे कर दीजिए बेहतर रहेगा। और कोई इनकेस फेल भी होता है तो रिफ़ंड वॉलेट में तुरंत आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको करके नहीं दिखाया क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पेमेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। माई ऑर्डर्स, तो ये मैंने पेमेंट कंफर्मेशन, ये तो अभी वाला है जो मैंने वो किया है, तो मैंने ये किया था 8:33 PM 21 अगस्त को, 500 रुपये डोनेट किया था। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट इतनी है कि आप करिए ही करिए, क्योंकि आज केरल जिस स्थिति में है वो बहुत ही भयभीत स्थिति है, क्योंकि उसमें अगर कोई भी होगा तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ मदद कीजिए, जितना भी हो सकता है आपसे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर सभी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो सोचिए इतने सारे देशवासी हैं, कितने एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो पाएगा वहाँ पर। और बस इतनी ही सी बात मुझे कन्वे करनी थी। और ये मैंने आज जब कुछ कई दिन से मैं वीडियोज़ देख रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था डोनेट करने का, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, लोग कितने ज़्यादा